नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। ग्राम चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत सीधी जिले के ग्राम बड़ोखर का है घर। होते हुए भी सड़क पर सोने को मजबूर है शिवराज कारपेंटर। शिवराज ने खबर समय जगत को बताया, शिवनाथ विश्वकर्मा ने उसके जेल जाने के बाद उसका घर गिरा दिया, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारे संवाददाता अनुराग दीप शुक्ला जब मौके पर पहुंचे और चर्चा की, शिवनाथ विश्वकर्मा हाथ में लाठी लेकर के बोलते हैं जो करना हो कर लीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, शिवनाथ विश्वकर्मा की गुंडागर्दी और शिवराज कारपेंटर की आपबीती। निवासी शिवराज बढ़ाई है जो कि यहाँ के मूल निवासी है इस गांव के, और इनके कुछ कतिपय कारणों बस इनको जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद जब ये जेल से वापस आए तो ना तो इनके घर का पता है, ना इनके द्वार का पता है, ना इनकी जमीन का पता है। बताओ शिवराज, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? पड़ोस में रहने वाले हमारी सब्जी सब सामान जब्ती कर लिए, हमारे आने के बाद दिए नहीं, धक्का मार के हमको बाहर निकाल दिया। कौन निकाल दिया है? शिवनाथ विश्वकर्मा पिता श्री टुप्पा प्रसाद विश्वकर्मा। यही है शिवनाथ विश्वकर्मा जी? ये खड़े हैं बगल में। अच्छा, ये है शिवनाथ विश्वकर्मा जी। तो इन्होंने तुम्हारा घर भी गिरा दिया? घर गिरा दिया, उसके अंदर जो सामान था सब रख लिए और हमको बोले कि यहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ, तू मर चुका है यहाँ के लिए, तू मेरा कोई नहीं है। हाँ, तो आपके पिताजी लोग कहाँ थे? खत्म हो चुके थे हमारे जाने के बाद। अच्छा, जेल जाने के बाद खत्म हो गए थे। तो ये सब प्रक्रिया जेल जाने के बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ है? पहले हमारे बी बच्चे रहते रहे यहाँ पर, जो आम वगैरह लगा है हमारे हाथ का लगा हुआ है। घर कहाँ पे? ये आम आपके हाथ का लगाया हुआ है? मेरा लगाया हुआ है। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर एक लिफ्ट से लगाई थी हमने दरवाजे के पास। हाँ, वो ईंट का भट्टा है, यहाँ से हमारा। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से एचडी क्वालिटी की पत्रकारों की वीडियो बना लेना। फालतू की बात न करी, अपना का जमीन परख हो तो करी, फालतू की बात या ना करी। नहीं है, हाँ बोलत रही, फालतू की बात ना करी, बोलते रहिए आप, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलत रहिए, बोलिए बोलिए अपना, और बोलिए, डंडा नहीं फरसा ले ली। अपना का जमीन परख हो तो कर ली, बस अपना का जमने में संतुष्टि हो। वो कहीं आवेदन कहाँ कहाँ दिए? आवेदन कलेक्टर या ऑफिस और थाना चुरहट तहसील सत्तर कर चुका हूँ। उन लोगों ने बोला कि मिल पट के अगर तुम लोग अपने मिल पट के ले लेते हो तो ठीक है, नहीं तो लंबी कार्रवाई में वो बेहद बर्बाद हो चुका होगा। यह हमारे श्रीमान जी कलेक्टर साहब बोल रहे थे। हमने कहा श्रीमान जी दिखाओ, ये उनके भी बच्चे हैं, ज़्यादा परेशान ना किया जाए, ताकि हम परेशानों के आए हैं। हम बड़े भाई मानते हैं लेकिन वो हमको नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो मेरी ज़मीन छोड़ दें, अपना घर बना लें, अपने घर में हम रहने लगें। आपकी शासन से ये मांग है कि आपकी ज़मीन छोड़ी जाए, आपका घर बन जाए, बस हो गया है ना? अभी आप कहाँ बसेरा कर रहे हैं? अभी मैं रास्ता में लेटता हूँ, जिस दिन से आया हूँ तो बस रोड में लेटता रहता हूँ, कभी अमरपुर में, कभी बड़ोखर में, कभी किसी घर में। रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता किसी घर में जाना, भी रगत्ते भी हैं। एक जिसके पास सब कुछ होते हुए आज दर दर भटकने के लिए मजबूर है, जिसके पास घर जमीन होते हुए आज रोड पे सोने के लिए मजबूर है, शासन प्रशासन जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि शिवराज बढ़ई के साथ न्याय किया जाए। खबर समय जगत के लिए बड़ोखर से ब्यूरो चीफ अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.